अब बात करते हैं जनाब आपकी सेहत के हवाले से। सेहत का मामला ये है जनाब के शादियों के सीजन चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, खाबे जब होते हैं तो फिर जो जिस्म है उसकी डिमांड होती है कि जनाब आप इस खाबे को हजम भी करें, हजम करें, वॉकें, दौड़ें, भागें। आप करते हैं नहीं, क्योंकि आपका जहन कह रहा होता है और आपकी जो रवायती सुस्ती है वो कह रही होती है कि लेट्स गो टू बेड, डाइव इन और पेडेस्टल चलाओ तो सो जाओ। लेकिन ये चीज आपके लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो वॉक थोड़ी बहुत जरूरी है। बिल्कुल चपात, और ये जो हम बड़े मजे मजे से पाए निहारियां, बिरयानियां, बर्गर्स और फ्राइज, पता नहीं क्या कुछ खा रहे थे ना, तो आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों को चले ठीक है खा लें, आपको खुशी देती हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये पता है कि इन तमाम चीज़ों को खाने के बाद आपकी बॉडी को कितनी वॉक की जरूरत है? नहीं पता ना, हम आपको बताएंगे परेशान क्यों हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद आपको पड़ेगा भागना, क्योंकि यू हैव टू रन टू सेव योर लाइफ। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं हु बॉर्न टू रन, which is very good. हमारे साथ मौजूद है जनाब बॉर्न टू रन के बानी और रिंग एक्सपर्ट सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सुहेल साहब। ये जो हम इतनी चीजें खाते हैं इनके लिए मैं कितने वैसे टाइम की, उम्मीद तौर पर वैसे लोगों को बता दें कि अगर मैंने बिरयानी की प्लेट खाई, मैंने एक बर्गर खाया, उसके लिए उसको बर्न करने के लिए मुझे कितनी वॉक करनी होती है? देखें, आप डाइट को और उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे कि हमने सिर्फ वॉक करनी है, सिर्फ खाने के लिए, तो वो आपकी इंटेंशन चेंज हो जाएंगी। देखिए, उसके लिए कि आप वॉक करें स्लो, आपके पास टाइम नहीं है, आप घर पे करें, मतलब यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको। अब ये जो आपने बात की है ना कि जी खाने के ऊपर ओरिएंट करके अपनी वॉक ना करें, आप वॉक को बतौर है वॉक करें, लाइफस्टाइल करके करें। लोगों का एतराज होता है यार मैं जिम करता हूँ डोले शोले बनाने के, वॉक से तो ना डोले बनते हैं ना कुछ बनता है ना रनिंग से कोई ऐसा फायदा है, कंपैरिजन है जिम का और रनिंग का या वॉक का? सर कंपैरिजन बहुत बड़ा है कि जब आप जिम छोड़ेंगे आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी, अगर आप रनिंग और वॉक कर रहे हैं आपकी बॉडी एथलेटिक हो जाएगी। तो देखें मैं अगर छोड़ भी दूंगा, मैं जैसे मैं वेस्ट मेरी 15 साल पहले थी, आज भी ऐसे ही है। अच्छा सुहेल, सबसे अच्छी बात ये भी है कि देखिए मैं अगर अपनी बात भी करूँ, मैं 3-4 महीने से मैंने जिम की शक्ल नहीं देखी क्योंकि कोविड है और आपको खौफ होता है कि कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें, लेकिन वॉक का फ़ायदा ये होता है कि आप खुले फिजा में कर रहे हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं और आप अपने रूट्स भी मुतयन कर सकते हैं। सो वॉक करना और रन करना, इन दोनों की क्या क्या डिफरेंट खसूसियात हैं बताइएगा, और कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें जैसे स्कूल की क्लासेस होती हैं इस तरह, वॉक इज़ द बेसिक ऑफ द रन। जब मैंने रन स्टार्ट किया था मैंने सिर्फ 2 साल सिर्फ वॉक सीखी थी। आपने जो टॉपिक रखा है वॉक का, दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी सीरियस। सीरियस इज दैट जो पार्क में मैं रोजाना जाता हूँ, जो लोगों को देखता हूँ, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। 4-5 साल से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चहलकदमी कर रहे थे बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चहलकदमी के अलावा जब आप वॉक करने आते हैं, दैट्स टाइम फॉर योरसेल्फ, ठीक है? तो अक्सर लोग वॉक करने आते हैं, जैसे ही पार्क में एंटर होंगे मोबाइल यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो फीमेल होती हैं, 5-6 फीमेल जमा होंगी और एक साथ बातें करते करते वॉक कर रही होंगी, वो देखें वो इंटेंशन आपकी फिर बातें ही होंगी। तो वॉक में जो पहली सीरियस है, प्रॉपर वॉक करें। जो लोग वॉक नहीं करते सही, उसका पोस्चर सही नहीं मतलब है। आपने इस वक्त ना बहुत सारे लोगों के और ख्वातीन के खास तौर पर मानों में पानी फेर दिया, क्योंकि वॉक तो सोशलाइजिंग का टाइम होता है। वॉक में वो जो एक 5 ख्वातीन का जमघटा बनता है और वो पूरे खानदान के मसाइल डिस्कस करते हैं, exactly, यही है। और उसके बाद वापस आ रही होती है तो उस दौरान कहते हैं पता भी नहीं चलता, घंटे की वॉक हो जाती है। इट्स नॉट अ वॉक, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, जैसे सुहेल हम ब्रीदिंग की जब बात करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात भी कर रहे थे, तो हमें तब पता चलता है कि जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं वो यहीं से लेके यहीं से बाहर निकाल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। सांस लेने का ये तरीका नहीं, अच्छी ब्रीदिंग ये नहीं है। ऐसे जैसे आप वॉक की बात करें तो वॉक के क्या प्रोटोकॉल्स है? ठीक है जी, फोन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिस्क वॉक करना है, कोर को अपना मतलब कहते हैं खींच के रखना है, क्या करना होता है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। देखें अब मोस्टली जो मैं पार्क में देखता हूँ, सॉरी जी जी, ठीक है लोग आते हैं ये, ठीक है, ये मतलब ये मजाक है, दिस नॉट अ वॉक। आप 10 साल भी करते रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज वॉक? पोस्चर आपका बिल्कुल चेस्ट ओपन हो, ठीक है, हाथ आपके स्ट्रेट हो एंड लाइक दिस, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद आप इसको फास्ट करें,
आप एक किलोमीटर भी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा आपने कुछ किया। आप देखें लोग जाते हैं 10-10 मिनट एक एक घंटा वॉक करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे किसी शादी में गए और उसी तरह वापस आ गए। वॉक ऑन प्लेस जॉग ऑन प्लेस की क्या अहमियत है अगर आप जगह ना हो वॉक ऑन प्लेस या जॉग? अच्छा देखें अगर जो मोस्टली फीमेल्स हैं उनके पास टाइम नहीं है बाहर आने का, ठीक है, तो वो घर पे लाइक इस तरह कर सकती है जैसे खड़ी हुई हैं आप, ठीक है, लाइक ठीक है स्लो मोशन में आप करें लाइक दिस, फिर आस्ते आस्ते इसको अपनी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, सेकेंड आप जो उसका आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। खवातीन हजरात वक्त के छोटे से